कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़े इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन मेरी आवाज को आप गवा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है, देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं,
तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन डेढ़ पौने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएंगे।